तो बेसिकली एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे मतलब कि क्या होता है कि हमें पता है, या फिर YouTube में आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे वीडियोस जहाँ पर बताया गया है कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, विंडोज़ को या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप लैपटॉप में या फिर PC में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, वो बेसिकली दिया गया है। ठीक है, लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज़ 10 या फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप दिखाता है उसको बेसिकली हम देखेंगे। तो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग वीडियो है जो कि मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ था, उसको देख के हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको एक्टिव, डीएक्टिवेट या फिर कैसे आपको नेक्स्ट जाना है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट हैं या फिर मान लीजिए कि आप कोई स्टूडेंट हैं जो कि प्रीमियम परचेज़ नहीं कर रहा है, तो फिर इन स्टेप्स को ज़रूरी फॉलो करिए। तो पहला तो ये हो गया कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली लोड होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाता है, मतलब कि एक बार लोड होने के बाद जो रिस्टार्ट होता है, रिस्टार्ट होने के बाद इस तरह से दिखाता है। और यहाँ पर सबसे पहले दिखाता है हमारा लेट स्टार्ट विद द रीजन, तो कौन से रीजियन से है ये, बेसिकली इंडिया जो कि आपको पता ही है, आपको यहाँ से सर्च करना है इंडिया, और बहुत सिंपल होता है सर्च करना। आप सिंपली थोड़ा सा सर्च कर दीजिए, मैं थोड़ा सा वीडियो को आगे कर दे रहा हूँ, और यहाँ से आपको इंडिया को पिक कर लेना है। ठीक है, इंडिया को पिक कर लेने से कि क्या होता है कि हमारा जो लेआउट होता है वो सब कुछ इंडिया के अकॉर्डिंगली हो जाता है, जो टाइम वगैरह होता है सब कुछ प्राय मतलब कि मैक्सिममली इंडिया के अकॉर्डिंगली हो जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो कि नज़र में रखना है, फिर येस करना है, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। और कीबोर्ड लेआउट जो दिया गया है उसको भी इंडिया रखिए, क्योंकि इंडिया रखने से आपका जो मतलब कि रुपीज़ का सिंबल है, कंट्रोल ऑल्ट थ्री प्रेस करने से या फिर कुछ ऐसे शॉर्टकट सब काम करते हैं ठीक से। फिर इसको नेक्स्ट जो लेआउट है उसको स्किप कर देना है। उसके बाद आपको दिखाएगा मतलब कि कंप्लीट करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन, आपको आई डोंट हैव इंटरनेट में जाना है क्योंकि आपको सब कुछ परमिशन नहीं देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट नाउ दिखाई लगा, लेकिन आपको कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप में जाना है, क्योंकि आपको अगर इंटरनेट में आप कनेक्ट होते हैं तो आपको क्या बोलते हैं वो जो की वी होता है उसको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नेम लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर PC लिख दे रहा हूँ, वेरी सिंपल। और PC लिखने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट जाना है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपके पर्टिकुलर PC का नाम जो भी देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। पासवर्ड को अगर आप दे रहे हैं तो फिर वो पासवर्ड रखेगा, या फिर नहीं दे रहे हैं तो वो जेन्युइनली उसको मतलब कि ब्लैंक रखेगा और पासवर्ड नहीं आएगा। इसके बाद जो डू अक्रॉस डिवाइसेस एक्टिवली हिस्ट्री, इसको नो कर देना है। इसको येस करने से आपका जो हिस्ट्री होता है वो रहेगा, लेकिन इसको नो कर देने से वो जो हिस्ट्री होता है नहीं रहता है। ठीक है, तो आप इसको येस या नो आपके हिसाब से करिए। फिर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ऑनलाइन स्पीच रिकॉग्निशन, इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि इंटरनेट लगाते ही ये क्या करेगा कि वो जो सेटअप फाइल सब हैं उसको डाउनलोड करेगा। एडवर्टाइजिंग आईडी, इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि आप इंटरनेट को जब भी कनेक्ट करेंगे वो मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट को पता चल जाएगा सब कुछ। फिर यहाँ पर हो गया लोकेशन, हो गया ज़रूरत हो तो फिर लोकेशन ऑन कर देना बाद में, लेकिन इसको भी ऑफ कर दीजिए। फिर फाइंड माई डिवाइस को भी ऑफ कर दीजिए अभी के लिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेलर्ड एक्सपीरियंस है या फिर डायग्नोसिस्ट डाटा जो है वो भी आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इससे होता ये है कि माइक्रोसॉफ्ट देखता है कि आपका जो पर्टिकुलर PC है उसमें कौन कौन से टाइप के डेटा हैं या फिर कौन कौन से सोर्सेस हैं, जिसके मदद से वो आपको कुछ फीचर्स, क्या कुछ ऐप्स वगैरह मतलब कि शो करता है। तो एक कुछ मतलब कि आप छोड़ सकते हैं थिंकिंग एंड टाइपिंग, लेकिन और सारे के सारे चीज़ को आप ऑफ कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो सिनेरियो है वो बेसिकली पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गया आज के वीडियो में, फिर वेट करना है और आपका जो सिनेरियो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है,